हे गाइज, वेलकम वंस अगेन. इट्स सो गुड टू सी ऑल योर स्माइलिंग फेसेस वंस अगेन. बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसके लिए आई वॉज अवे, सो नाउ फाइनली आई एम बैक. और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में. ऑल दो मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 6 महीने से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने यूज़ करने के बाद इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे क्या एक ओपिनियन मैंने जनरेट किया है, वो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ. इट्स ए वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट. हर आदमी शायद इस प्रोडक्ट को लेके एग्री नहीं करेगा मेरे साथ, बट डेफिनेटली देर विल बी पीपल हु विल अंडरस्टैंड, और उनके लिए दिस इज द राइट प्रोडक्ट. तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सोनी A7R4. सो इट इज द सोनीज फ्लैगशिप ब्रांड व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी. 61 मेगापिक्सल के बारे में काफ़ी बात हुई, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस कैमरा का के काफ़ी रिव्यूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. आज हम एक रियल टाइम एक वेडिंग फोटोग्राफर के परस्पेक्टिव से ये कैमरा किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस कैमरा पे अपग्रेड करते हैं या फिर आप A7 III पे ही स्टिक करना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों के बारे में हम वेरी शॉर्टली एंड वेरी ब्रीफली बात करेंगे. लेकिन टचिंग ऑन द पॉइंट्स जो मैंने फील्ड में रह के देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, फर्स्ट लेट्स गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम. सब लोग बात कर रहे हैं 61 मेगापिक्सल की, ये कैमरा 61 मेगापिक्सल ऑफर करता है, और क्या 61 मेगापिक्सल मेरे लिए आपके जैसे यूज़र के लिए कुछ बेनिफिशियल भी हैं या नहीं. सो गाइज, डेफिनेटली इनिशियली मुझे भी ऐसा लगा था कि वाई वुड आई नीड 61 मेगापिक्सल्स, एंड आई वॉज गोइंग टू बाय सोनी A7 III अगेन. आई ऑलरेडी ओन 3 Sony A7 III's, बट देन आई टॉक टू समबडी फ्रॉम सोनी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं नहीं आपको R4 लेना चाहिए, यू शुड ट्राई इट आउट और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा. तो उनके इस कॉन्फिडेंस से मुझे भी लगा चलो लेट अस गिव इट अ ट्राई, और एक नई चीज़ ट्राई करने को मिलेगी. ऑलरेडी A7 III पे तो मैं शूट काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, सो लेट अस गिव इट अ ट्राई. सो आई बॉट दिस A7 R4 बॉडी, विच हेयर यू कैन सी. सो आई बॉट दिस एंड आई स्टार्टेड शूटिंग विद इट, और जैसे जैसे मैं इस कैमरा के साथ शूट करता गया, आई रियलाइज द पावर ऑफ 61 मेगापिक्सल. अब मैं 61 मेगापिक्सल की बात इस कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ कि कितनी रेजोल्यूशन आपको मिलती है, रादर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. आई शूट मेजरली ऑन प्राइम्स, मेरे पास ज़्यादातर प्राइम लेंसेज हैं. जब आप एक वेडिंग शूट कर रहे होते हैं, आपके लेंस की फोकल लेंथ आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. इफ़ यू आर शूटिंग ऑन प्राइम्स, आपको बार बार लेंस चेंज करने पड़ते हैं, और उस चेंजिंग पीरियड में कई बार आप कुछ मूवमेंट्स मिस कर सकते हैं. इस कैमरा में 61 मेगापिक्सल होने की वजह से द बिगेस्ट थिंग आई कैन डू इज, जब मैं सपोज आई एम शूटिंग ऑन ए 35mm लेंस और मुझे थोड़ा टेलीफोटो रीच की जरूरत पड़ती है, आई पुट इट ऑन ए क्रॉप मोड. क्रॉप मोड में मुझे 1.5 की मैग्नीफिकेशन मिलती है, विच इज़ रफली 50-55mm की मुझे फोकल लेंथ मिल जाती है, और मे बी 60 की फोकल लेंथ मुझे मिल जाती है. अब मेरे पास एक ही बॉडी पे दो लेंस का फोकल लेंथ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रही है. अब आप सोच रहे होंगे जब मैं इसे क्रॉप मोड में डालूंगा तो काफ़ी रेजोल्यूशन का लॉस होगा. डेफिनेटली काफ़ी रेजोल्यूशन का लॉस होता है, बट आप फिर भी यू आर कैप्चरिंग 26 मेगापिक्सल्स इमेजेस, जो कि मेरे A7 III से फिर भी 2 मेगापिक्सल्स ज़्यादा ही हैं. सो देर इज एन अबंडेंस ऑफ मेगापिक्सल, जिसकी वजह से आप क्रॉप मोड में आके फटाफट एक डिफरेंट फोकल लेंथ को अचीव कर सकते हैं. यही अगर मैं A7 III पे क्रॉप मोड में जाता हूँ तो इट टर्न्स इनटू ए 10 मेगापिक्सल फाइल, जो कि मेरे लिहाज से इज ऑल राइट, बट देन अगर आप उसमें रेजोल्यूशन ढूंढेंगे या बड़े प्रिंट्स करवाना चाहेंगे, यू माइट फाइंड योर सेल्फ कंस्ट्रेंड बाय दोज मेगापिक्सल. सो 61 मेगापिक्सल, डेफिनेटली आई एम लविंग इट. फाइल साइज बड़ा है, 120MB की अनकंप्रेस्ड रॉ है, बट When you are a working professional, you have to take that burden. आपको एक stronger PC की ज़रूरत पड़ेगी to process the files. और second practical use इस camera का है, इसकी bigger body. और although मैं इस body के ऊपर एक camera grip use कर रहा हूँ, but even then, A7 III से इसकी grip, इसका button layout और इसके जो overall weight and sturdiness है वो better है. आपके हाथ में ये अच्छे से sink करता है, और long shoots पे आप टायर नहीं होंगे. अब मैं एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा. सोनी कैमरास A7R4 से पहले सीरीज के जितने भी कैमरास हैं उनमें फोकस पॉइंट जो है वो ग्रे कलर का होता है. अब ग्रे कलर के फोकस पॉइंट से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ वेरी कलरफुल एनवायरनमेंट और मे बी इन यू आर
यू हैव ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक लैंडस्केप है, वहां पे समटाइम्स आपका फोकस पॉइंट ग्रे और डल होने की वजह से गुम हो जाता था और आपको उसे मूव करके देखना पड़ता था कि मेरा फोकस पॉइंट कहां पे है और उसे रिलोकेट करना पड़ता था। A7R4 के साथ आपको ऑप्शन मिलता है अपने फोकस पॉइंट का कलर चेंज करने का, और मैंने इमीडिएटली उसका कलर चेंज करके रेड रख लिया बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट कलर, वेरी वाइब्रेंट कलर, और आपके स्क्रीन पे आपको अपना फोकस पॉइंट ढूंढने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब यही चीज आपको वीडियो शूटिंग में भी देखने को मिलेगी, जहां पे कि आप A7R4 से पहले के सीरीज कैमरा को पीकिंग को आपको बाय डिफॉल्ट रेड रखना पड़ता था, बट एज ए वेडिंग फोटोग्राफर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैकड्रॉप में या ब्राइड की ड्रेस रेड रहती है, बैकड्रॉप में काफ़ी रेड एंड पिंक एंड मजेंटाज रहते हैं, तो मेरा पीकिंग का जो काम है, जो रेड कलर है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करता था। रादर मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरा पीकिंग का कलर जो है वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो रहा है। सो विद दिस A7R4 चेंज मैं अपने पीकिंग के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो A7R4 के बटन लेआउट है, बटन है, इवन के उसका जो फोकस मूव करने का जॉयस्टिक है, इट्स क्वाइट स्टर्डियर और वेल इम्प्रूव्ड फ्रॉम A7R3 एज वेल एज A7 III। और गाइज, अनदर बिग वेलकम चेंज इन दिस कैमरा बॉडी इज 2 UHS 2 स्लॉट्स विच आर वेरी फास्ट, और आपको 61 megapixel पे अगर 10 FPS पे भी शूट करना पड़ जाता है, दे आर वेल केपेबल ऑफ राइटिंग डाउन ऑल दोज बिग रॉ फाइल्स टू योर कार्ड वेरी फास्ट, और आपका बफर कभी भी ज़्यादा देर के लिए फुल नहीं रहता। सो गाइज, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एज ए यूज़र मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किए मैंने, और मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके सेंसर के बारे में और इसके फोकसिंग सिस्टम के बारे में जिस पे हम बात कर सकते हैं, बट ऑलरेडी देर इज़ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया या किसी भी सोशल मीडिया पे या इवन सोनी की साइट पे भी आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक यूज़र ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी कैमरा को यूज़ करने के बाद, प्रैक्टिकली उसको यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस कर सकता है। सो गाइज, लास्टली मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा, सिंस इस कैमरा को रिलीज़ हुए अब काफ़ी देर हो गई है, 1 साल से ऊपर हो गया है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया कैमरा मार्केट में आता है, डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली उसके प्राइसेस थोड़े से लोअर डाउन हो जाते हैं। अभी मुझे लगता है A7R4 जो कि इंडिया में राउंड अबाउट 2.5 लाख की रेंज में अवेलेबल है, आप किस जगह पे बैठे हैं उस पे वो वेरी करेगा, बट ऑन एन एवरेज इज 2.5 लाख, और इस बॉडी के लिए इट इज़ ए वेरी वेरी गुड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। इवन 2021 में भी, जबकि मे बी कुछ देर के बाद मे बी सोनी विल बी लॉन्चिंग इन A7R5 और समथिंग विद लाइक 100 megapixels और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट इवन देन दिस इज आई सपोज द कैमरा विच इज़ गोइंग टू लास्ट, विच इज़ गोइंग टू हिट द मार्केट फॉर कमिंग 2-3 years, और इस टेक्नोलॉजी से कोई बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आगे नहीं आएगी। इसलिए डेफिनेटली अगर आप इस कैमरे के बारे में सोच रहे हैं, इसको परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक A7 III यूज़र हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं कि क्या इस कीमत में 2 A7 III बॉडीज लें या 1 R4 लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पोर्ट्रेट्स करते हैं, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप इस कैमरा के साथ कुछ काफ़ी अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, पेड प्रोफेशनल, आपको काफ़ी ऐसी एडवांसमेंट्स, काफ़ी ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो शायद A7 III आपको नहीं दे पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग।